हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए जी, बात करते हैं चाची 420 की। और इस औरत को जितना मर्जी समझा लो, जितना मर्जी इसके ऊपर वीडियो बना लो, या फिर जितनी मर्जी इसको वार्निंग दे लो, ये जो है ये मतलब एक नंबर की एक ढीठ इंसान होता है ना, उससे भी परे और उससे भी गई गुजरी है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पीछे जब मैंने एक वीडियो डाली थी, खैर उसमें मेरी आवाज़ ही नहीं आई थी, लेकिन उसमें भी मैंने इसको बहुत कुछ बोला था गणपति जी के लिए। और सेम जो है इसने कल भी किया, कि कल भी इसने बीच में एक लाइन बोल दी थी वहाँ पे। वो दिखा रही थी, जो जगह दिखा रही थी अपनी सोसाइटी के नीचे, वहाँ पे कह रही थी गणपति आया है, ठीक है। तो इस बेशरम औरत को, खैर इससे तो उम्मीद ही क्या करें, जो अपने मजहब की नहीं हुई वो दूसरों को की तो क्या होगी। लेकिन इससे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई तुझे नहीं बोलना आता, तुझे नहीं पता होता, तो अपना ये टेढ़ा मुंह जो है ये बंद ही रखा कर। लेकिन इस औरत को बिल्कुल भी बात समझ में नहीं आती है। और इसने कहा कि गणपति आया है, तो वो तेरा कोई यार नहीं है या फिर तेरा कोई दोस्त नहीं है, ना तो तेरा कोई पड़ोसी है कि वो आया है, ठीक है। गणपति जी आए हैं, चलो अगर तूने जी भी नहीं लगाना तो तू ऐसा बोल सकती थी कि गणपति आए हैं, ठीक है। एटलीस्ट रिक्वेस्ट, वो क्या कहते हैं उसको, रिस्पेक्ट दे ले, इज्जत दे ले उनको, वो हमारे गॉड हैं, ठीक है, हमारे भगवान हैं। जिस तरह तुम्हारे लिए तुम्हारे अल्लाह हैं, उसी तरह हमारे लिए वो हैं, ठीक है। तो इस औरत ने ऐसे बोला है वहाँ पे किस तरीके से, कि जैसे पता नहीं कोई इंसान हो, कोई इसका पड़ोसी हो जिसको ये बुला रही है, हैं। और ये इन्हीं सब हरकतों की वजह से लोग जो हैं वो इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। और फिर ये बोलती है, आजकल इसका एक नया ही नारा लगा हुआ है, हेटर हेटर हेटर, ठीक है। तो हेटर्स जो है ना, हेटर्स नहीं बोल पब्लिक को, ये जो लोग तेरे को बोलते हैं वो पब्लिक ही है, तेरे को देखती है, ठीक है। और तू हरकतें करती है, ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करती है, तभी लोग तेरे को बोलते हैं, ठीक है। बाकी किसी की कोई तेरे से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि बहुत तू उसमें अंबानी की औलाद है कि लोग तेरे से जेलस करेंगे या कुछ करेंगे। इतना समझाने के बावजूद, इतना बोलने के बावजूद फिर ये औरत वही हरकतें करती है, जब तेरा लेना देना ही नहीं है उस चीज़ से। तो अपना देख ना, तो अपने उसका कर ले ना। तो अगर तू इतनी ही सती सावित्री है, इतनी ही तू उसमें मजहब पे चलने वाली है, तो तू अपना कर ले। और एक और बात, खैर ये तो चलो नॉर्मल वो है, अपने भी उसमें देख लो, इसको नाखून लगवाना ज़्यादा प्यारे हैं। कहती है कि मैं जब नाखून लगाती हूँ तो मैं नमाज नहीं पढ़ती हूँ, अभी मैंने नाखून उतार दिए हैं तो मैं नमाज पढ़ रही हूँ। यानी कल को इसका दोबारा मन करेगा नाखून लगाने का तो ये छोड़ देगी, जबकि नमाज पढ़ना फ़र्ज है। नमाज इंसान को कुछ भी चाहे, इंसान एक वक्त का खाना खाना भूल जाए, लेकिन नमाज पढ़ना ज़रूरी है, फ़र्ज है। तो ये अपने फैशन के चक्कर में अपने उसको अपने आप को अच्छा दिखाने के, तू जितनी मर्जी अच्छी दिख ले, तेरी उम्र तेरी हैसियत तेरा वो दिखाई देती है, जो भी तेरा रूप है ना वो दिखाई देती है। तू चाहे नाखून लगवा ले, तू चाहे नकली बाल लगवा ले, लेकिन तेरी जो उम्र है, तेरी जो एज है, वो तो लोगों को दिखाई दे रही है। भले ही तू 4-5 साल से 50 साल की ही है, कोई बात नहीं, लेकिन लोगों को दिखता तो है ना। और साथ ही ये भी कहती है कि मेरे हेटर्स कहते हैं कि मेरे चेहरे पे लानत बरस रही है, तो वो है, वो लानत ही है। तू चाहे उनको काली सेम का नाम दे ले, चाहे तू उनको पिगमेंटेशन का नाम दे ले, अगर ये पिगमेंटेशन होती तो उस टाइम के अपने ब्लॉग भी चेक कर ले, जब तू उमरा गई थी, उमरा करने के बाद वापस आई थी, और उसके बाद तूने कुछ दिन, चंद दिन जो हैं तूने इबादत में गुजारे, तो उस टाइम पे अपने ब्लॉग भी देख ले कि उस टाइम पे तेरे चेहरे पर नूर था, ठीक है। क्यों? क्योंकि तू उस टाइम पे अल्लाह की इबादत में थी, वो सच में ही नूर था। लेकिन जब जब तू ऐसी हरकतें करती है अपनी दुनियाई ज़िंदगी में, तू दोबारा जब वापस जाती है
जो ये सड़कों पे नंगा नाच करती है या फिर जो भी करती है, तो फिर से तेरे चेहरे पे वो लानत बरसना शुरू हो जाती है। ठीक है, और एक एक उसके लिए चलो मान भी ले कि वो पिगमेंटेशन है या फिर कुछ भी है, लेकिन अगर तू अपनी लाइफ अल्लाह की इबादत में बिताए, उनकी वो, हम ये नहीं कहते कि तू सोशल मीडिया से हट जा या सोशल मीडिया मत चला, तो चला, तो ब्लॉग भी बना, तो हर चीज़ कर, लेकिन जो चीज़ जायज़ है, जो चीज़ फ़र्ज है, एटलीस्ट वो तो कर, फिर देखना ये तेरी पिगमेंटेशन और तेरी काली सेम या फिर जो भी तू बोल रही है ये कहाँ जाएगी। और चलिए थोड़ा सा ये तो वैसे ही बात कर रही थी मैं, लेकिन ब्लॉग की बात करते हैं। एक चीज़ मुझे ये नहीं समझ आती, जो इसके अंधभक्त हैं वो, मतलब ये मुँह पे झूठ बोल देती है और वो लोग पकड़ भी नहीं पाते हैं या फिर जानबूझ के अनदेखा कर देते हैं। देखो कल के व्लॉग में इसने मॉर्निंग में बोला कि मैं ये जो खाना बचा है ये मैं अपनी मेड को दूंगी। खैर मेड तो ये बोलती ही नहीं है, सर्वेंट सर्वेंट इसने लगा के रखा है। कितने लोगों ने इसको टोका है कि चलो वो तुम्हारे घर पे बेशक काम कर रही है तो उसको सर्वेंट मत बोलो, या तो बाई बोल ले या फिर मेड बोल ले, ठीक है। लेकिन ये कहाँ सुधरने वाली है, तो बोला कि मैं बाई को दूंगी। उसके बाद दोपहर को वही परांठे इसने बाई को तो दिए नहीं, उन्हीं परांठों में से इसने 3 परांठे गर्म करे, 1 जल गया, 2 इसने खुद खाए, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में इसने 5 परांठे दिखाए थे। और उसमें से भी रात को जब वो 2 परांठे बच गए, जबकि वो पिछले रात का खाना था, परांठे पिछली रात के थे, चलो मान लेते खा भी लेते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि वो 24 घंटे के बाद भी तुम लोग खा रहे हो। और वो जो 2 परांठे बच गए वो इसने रात को उस बूढ़ी अम्मा को जाकर दिए। वहाँ पर भी ये व्लॉग बनाना नहीं छूटी, वो भी लोगों को दिखाया कि देखो मैंने दिया है, ठीक है, और कुछ चिकन दिया होगा थोड़ा बहुत या मटन जो भी इसने बनाया था, और 2 वो जो परांठे बचे थे वो दिए। तो कितनी झूठी है, सुबह बोला भाई को दूंगी, दोपहर को फिर वो खुद ही खाए, जो बचा खुचा था वो किसी और को देके आ गई। और एक और बात की, कहा मेहमान आए थे समोसे वगैरह खिलाए, मैं तो समोसा खाती नहीं, ये समोसा नहीं खाती भाई, तीखा होता है, ठीक है, या फिर जो भी इसने बोला, डाइट वाली है औरत है ना, डाइट करती है तो ये समोसा नहीं खाती। तो इसके पिछले एक व्लॉग में जाके देख लो, जब ये हाजी अली दरगाह पे गई थी वहाँ पे ये 2-3 समोसे लेके बैठी हुई थी और खा रही थी। तो अब चलो, बोलने का मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या फिर बहुत बड़ा इशू नहीं है कि हम लोग इसको उठा रहे हैं, बोलने का बताने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि ये अपनी कही हुई बात पे ही अटल नहीं रहती, और इसको ये भी नहीं पता होता कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में क्या झूठ पब्लिक के साथ बोला था और मैं अगले व्लॉग में कौन सा झूठ अपनी पब्लिक के साथ बोल रही हूँ। तो इतनी छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलने की ज़रूरत ही क्या है। और एक और बात, आप लोगों ने कभी नोटिस की है कि ये हमेशा दिखाती है, जब भी ये खाना दिखाती है कि ये एक सैंडविच मैं खाऊंगी, एक मेरा बेटा खाएगा, ठीक है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि एक उसमें इनका पेट भर जाता होगा? इतनी भी कोई ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो नहीं है, एक्ट्रेस नहीं है या कुछ नहीं है, चलो उनका तो भर जाता है बेचारों का, उनको तो अपना वो जो भी है मेंटेन करना है, लेकिन ये जो हर टाइम इतना खाती है, इनकी इसकी पूरी फैमिली बाहर जाके इतना कुछ खाते हैं, तो डिनर के टाइम पे या फिर अगर नाश्ते का टाइम है तब तो चलो एक सैंडविच बहुत है इंसान के लिए, लेकिन अगर डिनर का टाइम है या फिर लंच का टाइम है तो क्या एक पाव से या फिर एक सैंडविच से मतलब हो जाता है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि एक नॉर्मल पर्सन का होता होगा। और इंसान अगर चपाती भी खाने बैठता है तो 2 चपातियाँ तो खाता ही है, लेकिन फिर भी वही है कि करना है तो दिखावा, तो फिर वो वही चीज़ है कि वही ये करती है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें, जहाँ छोटी छोटी बातों को लेकर ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है। तो सिर्फ पब्लिक को दिक्कत इस चीज़ से होती है कि ये औरत झूठ बोलती है, बाकी इसके रुतबे से कि ये सेलिब्रिटी है या कुछ हो, इसको लगता है ना कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं फलाना हूँ, इसीलिए लोग मुझसे हेट करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये जो तू पब्लिक को झूठ बोलती है ना, लोग इस चीज़ से हेट करते हैं। अगर तुझे दिखाना है खुद को तो जैसे तू है वैसे ही दिखा, झूठ बोलने की, जताने की, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है।
लेकिन तू जब से तूने यूट्यूब चैनल शुरू किया है तब से तू आज तक झूठी दिखाती आ रही है लोगों को, क्योंकि तुझे शायद ये लगता है कि लोगों को अगर अच्छा बन के दिखाऊंगी या मैं अच्छी बोली रखूंगी, अच्छी वाणी अपनी रखूंगी तो लोग जो हैं वो मुझे ज़्यादा वो करेंगे, प्यार करेंगे या कुछ भी करेंगे। तो वो तो तू करती ही है, लेकिन अच्छा बोलने के चक्कर में तो इतने झूठ बोल के जाती है, इतना झूठ बोल जाती है जो कि पब्लिक को दिखाई भी देता है, पब्लिक पकड़ भी लेती है, और यही वजह है कि पब्लिक तेरे को ट्रॉल करती है। ठीक है, बात बात पे तेरे को बैड कमेंट्स आते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें तू करती है, इसलिए लोग तेरे को बोलते हैं। तो ये हेटर्स का तो छोड़ ही दे कि हेटर्स हैं तेरे, क्योंकि किसी को तेरे से कोई लेना देना नहीं है। अगर तेरा किसी के साथ कोई पर्सनल झगड़े चल रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन ये जो पब्लिक आके तेरे को कमेंट करके जाती है या बोल के जाती है ना, ये वही पब्लिक है जो तेरे को डेली देखती है, तेरे सच झूठ पकड़ती है तो कि तू पिछले व्लॉग में क्या बोल रही है, तू अगले व्लॉग में क्या बोल रही है। ठीक है, तो ये वही लोग हैं और वही ये बोल के जाते हैं।